नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आई बिन 24 न्यूज़। इस समय बता दें चांदसराय इलाके में खड़े हैं और यहां पर आप देख लीजिए कि एक घर के ऊपर जो है हमला किया गया है। आप देख सकते हैं कि मीटर को तोड़ा गया है, इसके अलावा घर पर तलवारें भी चलाई गई हैं, पूरा का पूरा मीटर तोड़कर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और साथ में ईंटें भी पड़ी हुई हैं, ईंटें भी मारी गई हैं घर के अंदर। और क्या कुछ मामला है एक बार जानने का प्रयास करते हैं, परिवार के लोग हमारे साथ में हैं, तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है सर। कौन सा इलाका पड़ता है ये? जुमला गेट चांदसराय पड़ता है। तो ये आपके घर में जो बता रहे हो आप तोड़फोड़ की गई है, किसने की है, क्यों की है, क्या कारण? ये गोली ने की है, वो मेरी वाइफ को छेड़ता है। अच्छा। हाँ जी, हम कम्प्लेट करवाने गए परसों, फिर रात को फिर दोबारा तोड़फोड़। हमला हुआ कब था ये? परसों भी हुआ था, कल रात को भी हुआ, दोबारा परसों भी हुआ और कल रात को भी हुआ। 112 नंबर भी बुलाई है उन्होंने, ये क्या भाई आप कंप्लेंट करो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो 112 नंबर परसों आई थी? हाँ, परसों भी आई थी, कल भी आई थी। कल भी आई थी। परसों कब हुआ था आप पे घर पे हमला? परसों 10:30 बजे था, रात कल रात को 1 बजे करीब हुआ। कल रात को 1:30 बजे के आसपास हमला गया। हाँ जी जी। तो ये हमला किया क्यों गया, कारण क्या है? हमने कंप्लेंट करी है कल उसमें, तो महिला थाने में गई है, वहाँ पर दरखास्त, इसीलिए हमला किया। आपके घर पे जिसने हमला किया क्यों किया है, क्या कोई पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश है, हमने इसकी दरखास्त दी थी, वो दारू बेचता था पहले। किस? हाँ जी बताओ। जमीन घेर रखी इसने पहला मारी। हाँ जी। हाँ, उसी पर दुश्मन चल रही, इसने जमीन घेर रखी मारी। हाँ। उस पर दुश्मन चल रही, फिर इसने 10 बजे आया। कोई जमीनी विवाद है आपका? हाँ, जमीन का भी सर होता है ना, कई बार हमले कर लिए, एक बार नहीं कई बार हमले कर लिए। अच्छा अच्छा, 10 बजे आने का कुंडा खुड़का है ना, कुआड़ खोल ले, इसका हाथ पकड़ लिया बहू का, इस छोटे वाले का। कल ही ना दरखास्त दे, कल रात को, परसों परसों, हाँ परसों, कल दरखास्त दे के आई है, इनकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। हाँ, फिर रात फिर इस पूरा ये मीटर तोड़ा पहले। हाँ। फिर वहां जाकर या बहू का क्वाड तोड़ दिया, हाथ जोड़ रही। हाँ। ऐसे करके भैया हमारे क्वाड ना तोड़ो, हमारे क्वाड ना तोड़ो। हाँ। इसका हाथ पकड़ा, ईंट मारी वहां का, या पेट पर लग रही है। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? इसका कम तक 10-15 राम तक थे हमला करने के। आधे ऊपर यहाँ पर आपको एक बार जो उनकी पत्नी है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ कारण है जो की बता रहे हैं कि उनको यहाँ पर उनका हाथ पकड़ा। हाँ जी, आप क्या नाम है आपका? परमजीत है मेरा नाम। तो आपके ऊपर जो है बता रहे हैं कि आपको छेड़ा था? परसों मेरे साथ छेड़खानी की थी, कमीज भी फाड़ दिया था और अंदर घुस गए थे, छेड़खानी मतलब परसों रात को 10:30 बजे बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, छेड़खानी घुस गए थे। हाँ जी, बदतमीजी करने की कोशिश करी और मेरे जो सास ससुर वो ऊपर सो रहे थे, तो मैंने आवाज की तब जाके भागे, फिर भाग गए वो, मैंने गेट बंद कर लिया, बोला धमकी दे गए कोई भी कंप्लेंट की तो तेरे पति को जान से मार दे। आपके कमरे में घुस गए थे? हाँ जी, कमरे में घुस गए थे, गेट खोला, बोला खोलो खोलो, कुवाड़ से मतलब डंडों से हमला कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात है, बोला तुम्हारा पति कहाँ गया? मैं क्या, मेरा पति काम से बाहर गया है। बोला, मैं बोली सुबह आएगा, बोला कुछ भी कंप्लेंट की कुछ भी किया तो तेरे पति को जान से मार देंगे, फिर मेरे साथ गंदी हरकत करने। कौन आया था कमरे के अंदर, कौन था, क्या नाम था? चार जने थे, एक गोली था, तीन और उसके साथ लड़के थे, उनको मैं जानती नहीं। कहाँ रहता है गोली? ये सामने ही रहता है, यहीं पे रहता है। जी, कोई पुरानी रंजिश है क्या, क्या दिक्कत क्या है? कब्जा मारता है गुंडा टाइप का, किसी से भी पंगा लेता रहता। अच्छा। हाँ जी, ये काम है। क्या नाम बताया इसका? गोली नाम है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि घर के बाहर भी इधर मीटर जो है उसे तोड़ा गया। बता रहे हैं कि यहाँ पर आए हुए थे 10-15 लोग, उनके हाथ में क्या क्या था जो उनके हाथ में? थी डंडे बिले हुए थे, इंटे का व्यवहार किया, ये फोड़ा सब तलवारें गंडासियां थी उनके पास, मेरे साथ छेड़खाने की, मेरा सूट भी रखा है फटा जो फाड़ दिया था उन्होंने। यहाँ पर ये सूट भी देख लीजिए, ये सूट है जिसको यहाँ पर फाड़ दिया गया था, ये आपने डाला हुआ था उस समय? हाँ जी, डाला हुआ था, परसों डाला हुआ था। ये कंधे की तरफ से? हाँ जी, कंधे की तरफ से और यहाँ से बाजू की तरफ से भी फाड़ रखा उन्होंने। तो यानी आपके साथ जो है मतलब खींचतान की? हाँ जी, मतलब मेरे साथ गलत करने की हरकत की है उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, पहले फिर मैंने आवाज़ किलकिया मारी तब जाके मेरे सास ससुर ऊपर से आए, फिर वो भाग गए देख के। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आपको एक आगे की तरफ दिखाते हैं कि ये घर भी साथ में ही है, एक साथ ये घर पड़ते हैं, और यहाँ पर भी बता रहे हैं कि इस पे क्या क्या तलवारें हैं, क्या है ये? गंडासी तलवारें मारी, तलवारें मारी, हाथ जोड़ रही है। अच्छा। हाथ जोड़ रही है अंदर। हाँ। और इसका फिर भी हाथ पकड़ा, फिर ईंट मारी इसका। अच्छा। जी भी इसने बड़ा लड़का बोला नहीं बहन 14 जी भाग गया मैं। अच्छा। फिर उसके बाद 12 बजे की बात है, उसके बाद फिर ऊपर आधे नीचे सारी रात रहे जी।
सारी रात 4 बजे तक रहे यहाँ ये। तो जैसे कि बता रहे हैं कि कुछ पुराना जमीनी विवाद भी है। हाँ, ये कब्जा मार रखा हमारे घर। क्या किस चीज का, किस कौन सा विवाद है आपका? जमीनी विवाद है जो हमारे घर के सामने जमीन पे कब्जा मार रखा है, पुरानी दुश्मनी है बहुत। अच्छा, तो जमीन आपकी है वो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो कब्जा उन्होंने किया हुआ है? बहुत दिनों से कब्जा कर लिया उन्होंने, लकली डॉक्यूमेंट मंगवा के। ये बदमाश टाइप आदमी है जी, इनके बहुत केस चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब ये दारू भी बेचता है, बहुत नशे की चीजें बेचता है। और ये कवार जो नाबालिग लड़के होते हैं उनसे कहता है अभी मैं तेरी जमानत करवा लूंगा, तुम उल्टे सीधे काम करो। अच्छा। हाँ, ये है नाबालिग। आपने फिर पुलिस में कंप्लेंट की? आपने तो फिर आया था पुलिस में, आए थे यहाँ पे? नहीं, आई थी पुलिस? नहीं आई मौके पे। मौके पे नहीं आई? आई। कौन सा एरिया पड़ता है, कौन सा थाना पड़ता है आपके? सिटी थाना पड़ता है। सिटी थाना पड़ता है। सिटी थाने से आपने कंप्लेंट दी? आज भी? आज भी देने की जगह आई है पुलिस? आई है? अभी तक नहीं आई है। अभी तक नहीं आई है जी। कोई कंप्लेंट? नहीं, कंप्लेंट दे चुके हैं? दे रहे हो अभी? अभी दे रहे हैं कंप्लेंट, अभी अभी देनी है। हाँ, एक तो जो वो तो महिला थाने में गई है, जो परसों कंप्लेंट दी थी हमने। वो अपने महिला थाने में दी थी? हाँ, नहीं, एसपी ऑफिस दी थी, वो कहते हैं महिला थाने में जाएगी। महिला थाने में उन्होंने ट्रांसफर की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद से अभी कोई पकड़े, कोई लड़कों को पकड़ा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं गया। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई होती तो रात की मानते जी, रात नहीं आना चाहिए, कार्रवाई कल कार्रवाई हो जाए, रात को नहीं। तो दोबारा से फिर हमला कर दिया? हाँ, दोबारा था हमला करा जी, रात के 12 बजे फिर आधे ऊपर चले। वो लोग छत पे भी आ गए थे? यहाँ से चढ़ गए थे पीछे से, छत पे भी पड़ी है। तो एक बार दिखा देते हैं कि छत के ऊपर भी बता रहे हैं ईंटें पड़ी हुई हैं, और ये बाहर देख लीजिए, यहाँ पर भी, ये तस्वीरों में देख लीजिए, इधर मीटर जो है वो यहाँ पर तोड़ दिया गया है बता रहे हैं। और यहाँ से ऊपर की तरफ जो है एक बार चलकर आपको दिखाते हैं, जो कि बता रहे हैं कि घर में घुसकर जो है इन पर हमला जो है वो किया गया है। और यहाँ पर आपसे पहले इस खबर को शेयर करें, इस तरीके से ये देख लीजिए, घर की छत के ऊपर भी बता रहे हैं घुस गए थे, और वहाँ पर भी ये ईंटें पड़ी हुई हैं। और दूसरी तरफ भी जो है, अगर घर की छत की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी ईंटें पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में उनका ये आरोप है कि कुछ ज़मीनी विवाद है, जिस पर कब्जे को लेकर जो है उनका आपस में विवाद चल रहा था। और साथ में बता रहे हैं कि उनकी पत्नी को भी जो है यहाँ पर छेड़ा गया है। और यहाँ पर फिलहाल अब आपने क्या अपील, क्या करना चाहते हो? हमारा तो ये है जी अपील सर, इनको जल्द से पकड़े। ये रात को बार बार में हमले करते हैं, देखो बोतलें भी फोड़ रखी है ऊपर फेंक रखी है। ये भी किए कल रात को ही? हाँ, किया ये कल रात को किया सब। हाँ जी, थी सुबह रे चढ़ाई आप पौड़ी हमारे नीचे थी, इस पे से चढ़ के ऊपर आ गए थे कल वो। क्यों, ये कमरा बना जी जीप के नीचे थी पौड़ी, यहाँ लगा कर चढ़ के आए थे? हाँ, यहाँ लगा, यहाँ से पौड़ी नीचे थी पहले, ये नीचे थी। बता रहे हैं ये सीढ़ी जो है इसके द्वारा जो है ये छत पर चढ़े हैं, और उसके बाद घर के अंदर इन्होंने। हाँ जी, सुबह रे चढ़ाई ऊपर नीचे नीचे ही थी, नीचे नीचे थी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहोगे अभी की क्या? हमने कहना चाहिए जी जल्दी से जल्दी पकड़ चाहिए, ये तो रोज का काम हो गया। रात हमारे जमाई ने दमांद ने ये रोका, गुंडा कुंडा लगाया, नहीं मना खत्म कर दरवाजा तोड़ के। किसी को कोई चोट आई है वैसे? किसी को? इनका जो है ये लड़के है ना जो, इन पे काफी केस चल रहे हैं। और शिवरात्रि पे भी मर्डर करा था, उसमें भी इसका आता है एक का जमानत, ये नाबालिग है जल्दी इस जमानत पे आ जाते हैं। अरे ये गोली नाम का लड़का, ये कहता है मैं तुम्हारी जमानत ले लूंगा, तुम काम शहर में बदमाशी करो। हाँ जी। और कृष्ण गर्ग है ना जो, उसका हाथ है इसके ऊपर, भी मैं तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहता है भाई मेरा कृष्ण गर्ग है मेरे ऊपर, कुछ मर्जी, वो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, थाने चौकी में एसपी पे हमारी फुल चलती है, कोई हमारा कुछ नहीं कुआड़ सकता। हमने कंप्लेंट इसकी बहुत सारी दे रखी है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पर ऐसे ही इस एरिया में ऐसे ही होता है? हाँ हाँ, बहुत दफा होता है, कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम सोनू है जी, जिसने ये काम करा उसका नाम गोली है। यहाँ पर आपसे अपील इस खबर को जितना हो सके शेयर जरूर करें। हाँ जी बताइए। वो सामने उसका मकान है ये ना जो ना, वो उसका मकान है, उधर रहता है, यहाँ पे सारे बदमाश लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, जहाँ लकड़ी सामने दिख रहे जहाँ वो पुड़िया, शायद अभी भी अगर जो आप लोग जाके देखोगे तो वहाँ पे अभी भी 10-15 से लोग आराम से बैठे होंगे, जिन लोगों का यही काम है कि उन लोगों ने पीनी है शराब, पीनी है और शराब पी के ये सब करना है उन लोगों ने, उन सब का यही काम है। हमारे पड़ोस में आप लोग पता कर सकते हो, रात को हमारे पड़ोसी सब बता देंगे नज़दीक के, इधर वाले इधर वाले, रात को ये लोग सब चिल्लाए हम चिल्लाए तब वो निकले हैं, वरना वो लोग ऊपर चढ़े छत पे, छत पे इधर से नीचे टमारी है छत पे, ये सीढ़ी नीचे थी, सीढ़ी नीचे जाने के बाद वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश, अगर तो वो दरवाजा टूट जाता तो शायद हम उन लोग नीचे घुस के हम लोगों को मार देते, बट वो दरवाजा नहीं टूटा उसके कारण कि वो लोग छत से दोबारा नीचे चले गए, दोबारा नीचे जाने हमारे पड़ोसी सब चिल्लाए तब वो निकले हैं। वो सामने उसका मकान है और वो उसका दो बार घर पे हमला हुआ है। हाँ जी, दो बार परसों हुआ है, कल कंप्लेंट दिए, कल कंप्लेंट देने के बाद दोबारा हमला हुआ है। दोबारा? हाँ जी, वो लोगों ने भाई ये अभी हमारे कंप्लेंट क्यों दी है,
इसके कारण वो लोगों ने दोबारा हमला किया। आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार है जी, मैं ये नीचे ये मेरा मकान है जो आप छत पे खड़े हो, ये मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आपसे अपील, इस खबर को शेयर करें और इस तरीके से हम भी प्रशासन से अपील करते हैं कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो उन्हें करनी चाहिए। और यहाँ पर जो है फिलहाल परिवार डरा हुआ है ताकि कोई कार्रवाई हो और उनको आगे से जो है वो फिलहाल इस तरीके का कोई भी उनके साथ कोई भी हादसा जो है ना हो, क्योंकि घर के अंदर घुसकर जो है उनके ऊपर हमला होता है और बता रहे हैं उनकी पत्नी को भी छेड़ा गया है। तो आपसे प्लीज़ खबर को जितना हो सके शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे आई बी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।